दोस्तों, मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ एक और जीके जीएस का वीडियो, जो कि जिसमें 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन रहेगा। ये आपको पार्ट 9वां है, पार्ट 8 तक अभी तक जिन्होंने भी नहीं देखा है वो ज़रूर हमारे ऑनलाइन स्टूडियोस को में जीके धमाका में जाके देख लें। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोस, अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? ऑप्शन देख लें, प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी ध्रुव। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर। चलिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, डियागो गार्सिया एक उष्णकटिबंधीय पदचिन्ह आकार का मूंगे का प्रवाल द्वीप है, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में मध्य हिंद महासागर में 7 डिग्री और 26 मिनट दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। यह ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र का हिस्सा है और इसकी अवस्थिति 72 डिग्री 23 पूर्वी देशांतर में स्थित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है कपास, ऑप्शन बी है रेयान, ऑप्शन नंबर सी है रेशम, ऑप्शन नंबर डी है पटसन। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पटसन। बात करें पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है, यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर दें, और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को क्या नाम दिया गया है? यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा और चोल क्षेत्र या मंडल को तमिल में चोल मंडलम भी कहते थे। इसका ऑप्शन है कोंकण, ऑप्शन बी है कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वी तट, ऑप्शन नंबर डी है मालाबार तट। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी यानी श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन नेल्लोर, ऑप्शन बी है मैंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी है कोच्चि, ऑप्शन नंबर डी है नागपट्टनम। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नेल्लोर। भारत की श्रिम्प राजधानी नेल्लोर को कहा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूँ की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी है काली मृदा, ऑप्शन नंबर सी है दोमट मृदा, ऑप्शन नंबर डी है लेटराइट मृदा। इसका आंसर आप है ऑप्शन नंबर सी दोमट मृदा। बात करें गेहूं के वर्धन काल यानी बढ़ते समय में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, चीन विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, सेकंड नंबर पर भारत का स्थान आता है। ये पार्ट 9वां है, आप लोग ज़रूर पार्ट 8 जरूर नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोस को ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे, और हाँ आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A ले को डैश दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है? ऑप्शन है नाथुला, ऑप्शन बी है जोजिला, ऑप्शन नंबर सी है खैबर, ऑप्शन नंबर डी है काराकोरम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जोजिला। बात करें जोजिला या जोजी दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। ला और दर्रा शब्दों का अर्थ एक ही है। जोजिला एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। कारगिल क्षेत्र में जिले में स्थित यह दर्रा कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम में द्रास और सुरु घाटियों से जोड़ता है और इसके आगे पूर्व में सिंधु घाटी को जोड़ता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है भागीरथी, ऑप्शन बी है अलकनंदा, ऑप्शन नंबर सी है हुगली, ऑप्शन नंबर डी
इसको काट दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग को जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भागीरथी। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी ज़िले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदियों पर बना है जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भिलांगना नदी जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है नर्मदा, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन नंबर सी है कावेरी, ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। बात करें हिमालय से निकलने वाली नदियों में भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। आप लोग ध्यान रखें प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी और हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा सबसे लंबी नदी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्रों प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है भवनाथपुर, ऑप्शन बी है बरवाडी, ऑप्शन नंबर सी है सरैयाहाट, ऑप्शन नंबर डी है कुंड हित यानी कि जामताड़ा। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भवनाथपुर गढ़वा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तोपचांची अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? ऑप्शन है चतरा, ऑप्शन बी है गिरिडीह, ऑप्शन नंबर सी है धनबाद, ऑप्शन नंबर डी है हजारीबाग। इसका आंसर भी आप लोग को लाइव क्विज के जरिए दिया कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी धनबाद। बात करें झारखंड के धनबाद जिले में तोपचांची झील पर एक दिलचस्प पर्यटन स्थल है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित यह गोल्डन चतुर्भुज में स्थित है। धनबाद रेलवे स्टेशन झील से 37 किलोमीटर दूर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था? ऑप्शन है रूपा गोस्वामी, ऑप्शन नंबर बी है हरिद्वाज ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी है भक्ति विनोद ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी है चैतन्य महाप्रभु जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के प्रमुख प्रचारक एवं भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी यानी कि SWFA का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1842, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन नंबर सी 1834, ऑप्शन नंबर डी है 1946। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1834। इन नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन 1834 में किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उड़ाव कोरमा तथा पहाड़िया किस भाषा परिवार की है? ऑप्शन है इंडो आर्यन, ऑप्शन डी है तिब्बतो बर्मन, ऑप्शन नंबर सी इंडो यूरोपियन, ऑप्शन नंबर डी है द्रविड़। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी द्रविड़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है शिबू सोरेन, ऑप्शन बी है हेमंत सोरेन, ऑप्शन नंबर सी है बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन नंबर डी है रघुवर दास जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से बताएं इसका आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बाबूलाल मरांडी। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी थे। बात करें झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कैपिटल है रांची। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ठेबले उराव, ऑप्शन बी है थियोडोर सुरीन, ऑप्शन नंबर सी है सैयद सिप्ते रजी, ऑप्शन नंबर डी है वेनंद पाहन जी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी थियोडोर सुरीन जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? ऑप्शन देख लें आप लोग 1871, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1852, ऑप्शन नंबर डी है 1911। इसका आंसर भी आप लोग को जल्दी से बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1871 में। बात करें पितानी हुकूमत के दौरान बहुत सारी ऐसी लड़ाकू जनजातियाँ थी जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स यानी आपराधिक जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अंग्रेजी हुकूमत ने वर्ष 1871 में एक नए कानून क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को लागू किया। इस कानून के दायरे में लगभग 500 जनजातियों को लाया गया था। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही में वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। क्वेश्चन नंबर 17, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेसली, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए हमेशा याद किया जाता है। उसने साम्राज्य विस्तार की ओर अधिक ध्यान न देकर आंतरिक सुधारों की ओर विशेष ध्यान दिया था। कंपनी शासन में निष्पक्षता और दृढ़ता लाने में उसे काफ़ी सफलता मिली थी। उसने कंपनी की सेवा लगान व्यवस्था, न्याय और व्यापार संबंधी अनेकों सुधार किए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है ऑप्शन है बाबा साहेब अम्बेडकर, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है एम आर जयकर जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एम आर जयकर जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? मुद्रालय जिसे हिंदी में कहा जाता है, ऑप्शन है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांसीसी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। बात करें सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर कहीं ना कहीं इसे नोट कर लें। 1557 ईस्वी में गोवा के कुछ पादरी लोगों ने भारत की पहली पुस्तक छापी थी। 1684 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत की पहली पुस्तक की छपाई की थी। 1684 ईस्वी में कंपनी ने भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है चेदी, ऑप्शन नंबर बी है कदंब, ऑप्शन नंबर सी है हरियक, ऑप्शन नंबर डी है कलिंग। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चेदी वंश। बात करें कलिंग का चेदी शासक कारवाल भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्पा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सप्तमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर बी है मत्स्य पुराण से, ऑप्शन नंबर सी है मुंडोपनिषद से, ऑप्शन नंबर डी है अंगुत्तर निकाय से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंडोपनिषद से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे नोट करिएगा। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जिसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। संपूर्ण भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ के शिखर से लिया गया है। सत्यमेव जयते मूलतः मुंडोपनिषद का सर्वज्ञात मंत्र है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अथर्ववेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी है सामदेव, ऑप्शन नंबर डी है यजुर्वेद। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। बात करें गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जबकि गोत्र प्रथा का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। राग का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन है बुद्धिहाल, ऑप्शन नंबर बी है संगन कल्लू, ऑप्शन नंबर सी है कोल्डी हवा, ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मगिरी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी संगन कल्लू। बात करें कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नौपाषाणकालीन पुरास्थल से राग का टीला मिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राग का टीला कहाँ से मिला है? संगन कल्लू। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? ऑप्शन है शिकार, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन नंबर सी है शिल्पकर्म, ऑप्शन नंबर डी है व्यापार। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कृषि। प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। गोरख पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हेतु विख्यात है? ऑप्शन है देवगढ़, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर सी है श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर डी है महोबा। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी महोबा। चलिए ऐसे ही डेली GKGS वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टडीडोज को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडीडोज को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा।